हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार भूलकर भी हमें ऐसा फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के लिए जो हम फर्नीचर खरीदते हैं वो भी हमारी जीवन की एक अचूक हिस्सा होता है। घर में रखा फर्नीचर सफलता और खुशियां लेकर आता है। हमेशा कहा जाता है कि फर्नीचर हमेशा सोच समझकर ही खरीदना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सा फर्नीचर हमें नहीं खरीदना है। दोस्तों, पहला, घर में रखा फर्नीचर हमेशा शुभ पेड़ से बना होना चाहिए, जैसे कि शीशम, सागवान व साल आदि। इन्हीं लकड़ियों का फर्नीचर हमें खरीदना चाहिए। दूसरा, अगर आप फर्नीचर में डिज़ाइन बनवा रहे हैं तो उसमें फूल, मछली, गाय, हाथी आदि के डिज़ाइन बनवाएं, साथ ही हल्के रंग की पॉलिश करवाएं। तीसरा, फर्नीचर बनवाते समय ध्यान रखें कि फर्नीचर के किनारे नुकीले ना हो, यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। चौथा, फर्नीचर किसी शुभ दिन ही खरीदें, शनिवार, अमावस्या या फिर मंगलवार, इन दिनों में ही फर्नीचर खरीदना चाहिए। पांचवा, हल्का फर्नीचर उत्तर और पूर्व दिशा की ओर और भारी फर्नीचर पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि वास्तु के अनुसार हमें कैसा फर्नीचर खरीदना चाहिए और कैसा फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।